करें कि क्या दुख है आपको, क्या प्रॉब्लम है? जो नस्ल सुधार थी, आप कहाँ से आए हो? यूपी से ही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लेना है? यूपी मेरठ जिला। रोहटा मेरठ। हाँ, क्या लेना है आप यहाँ? हम आए पशु लेने के लिए। अच्छा, लेकिन जो पशु का सुधार है राजस्थान, राजस्थान की नस्ल खत्म कर चुके, जो देसी नस्ल थी, राजस्थानी जो देसी नस्ल थी वो खत्म कर चुके। अब जो क्रॉसब्रीड नस्ल आ गई है हरियाणा की, दोगली हो गई, दोगली, इसका कोई क्वालिटी यूपी में नहीं है, इसकी कोई, अब ऐसी नस्ल नहीं मिलती हूँ, करो आप, ये नस्ल नहीं मिलती है, ये कलर नहीं है, नस्ल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कैसे ही चाहिए? हाँ, ये खेती के लिए, खेती के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। जो हरियाणा की नस्ल है वो सिर्फ दूध के लिए है, दूध के लिए। तो लोगों ने क्या किया? कृषि के लिए ये बेस्ट है। लोगों ने क्या किया? ये गर्मी नहीं मानते। अच्छा अच्छा, लोगों ने इस माहौल में डले हुए हैं, बिल्कुल डले हुए हैं। और किसान के लिए सिर्फ खेती के लिए, यूज के लिए पशु चाहिए, वो है नहीं, गर्मी ना मन, वो नस्ल ही इन्होंने खत्म कर दी। क्या करके नस्ल? ये हरियाणा के रीजन पे पहुंच गए, क्रॉस करवा दिया, हरियाणा के रीजन पे पहुंच गए, ये बिजनेस पर्वत पे पहुंच चुके। अच्छा, तो मुर्रा क्यों लिया जबकि मांग है? तो मुर्रा में ऐसा क्या, मुर्रा से क्यों क्रॉस करवा? मुर्रा जो है वो सिर्फ दूध के ही पशु है, दूध के ही लिए ही क्रॉस कर रहा है। कृषि के मतलब के मुर्रा नहीं है, कृषि के मतलब के जो है वो सिर्फ ये प्योर राजस्थान। नहीं, तो उन्होंने मुर्रा से क्यों, उनको क्या फायदा हो रहा? दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जो बच्चा लिए। होगा, बच्चा होगा, ओके, नस्ल निकलेगी ना अच्छी, परंतु इसको ध्यान ही दें कि भाई ये काम भी आती है। जो यूपी से टोटल किसान आते हैं उनके लिए यहाँ नस्ल नहीं है, नस्ल नहीं है, वो आते हैं कृषि करने के लिए। जो पशु अगर वो आते हैं, हम यहाँ आते हैं तो सिर्फ हम यहाँ राजस्थान की ओरिजिनल देसी नस्ल लेने के लिए आते हैं, जो धीरे धीरे इन लोगों ने 5% पे पहुँचा दिए और ये लोग भी सुंदरता की तरफ चल गए, जो कि सिर्फ बीज बनाने के लिए या मतलब जो है दूध उत्पादन के, हाँ, उस दूध उत्पादन। लेकिन राजस्थान प्लस हरियाणा का जो क्रॉसब्रीड नस्ल है दूध की, वो क्वालिटी में नहीं आई, पशु बिगाड़ दिए उन्होंने कृषि के, ना इधर के ना उधर के, हाँ, पशु बिगाड़ दिए, दूध की क्वालिटी नहीं आ पड़ेगी। और दूसरी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।